हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, अबाउट इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहां कहां पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है एंड ये कंपनी 1944 से इस बिजनेस में है। मतलब अपने फील्ड की ये एक बहुत ही पुरानी एंड एक्सपीरियंस्ड कंपनी है। ये कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 40,192 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, अप्रोक्सीमेटली 50 की PE है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है, 38.4% है कंपनी की ROCE एंड 29.5% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 14.4% है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अप्रोक्सीमेटली 10.2% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.77% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें, जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब क्रोर्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1331 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1276 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1237 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 206 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 211 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 196 करोड़ की प्रॉफिट। तो गाइस, कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है एक फ्लैट, लेकिन स्लाइटली ऑन द पॉजिटिव साइड पे इनकम ग्रोथ के बावजूद। एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की हाई एक्सपेंसेस की वजह से हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। मतलब कंपनी की जितना इनकम ग्रो करी है उससे कहीं ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो करी है इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, एंड इसी रीजन की वजह से कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। एंड इसका मतलब साफ है कि कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रिड्यूस हुई है। और रही बात कंपनी की EPS की मतलब अर्निंग पर शेयर की, तो गाइस कंपनी की EPS की जो ग्रोथ है वो भी प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसकी ग्रोथ ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये नेगेटिव में जा चुकी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 3 जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। फर्स्ट वन इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की प्रॉफिट ग्रोथ, सेकेंड वन इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की मार्जिन ग्रोथ एंड थर्ड वन इज EPS ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, लेकिन जो पॉजिटिव ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट निकल के आई है जून 2022 की क्वार्टर की वो स्लाइटली ऑन द वीकर साइड पे ही निकल के आई है। अभी अगर कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में 10 गुना से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजल्ट मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है ही है, एंड उसके साथ साथ ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी भी है। तो
तो गाइस अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 73 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी रिड्यूस होकर डिटोरिएट होकर नेगेटिव में जा चुकी है। एंड अभी कंपनी के पास नेगेटिव 86 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, FIIs ने सेलिंग करी है एंड DIIs ने बाइंग। एंड अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो पब्लिक से माल उठा गया है इन जून 2022 की क्वार्टर। एंड पब्लिक में किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है, मतलब इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 16.86% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है एंड कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी ठीक ठाक निकल के आ रही है, तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो। तो गाइस अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी पिछले 5-6 महीने से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही थी एंड इस रेंज की ब्रेकआउट भी हो गई थी, लेकिन ड्यू टू वीक रिजल्ट ऑफ द जून 2022 की क्वार्टर कंपनी अभी फिर से इसी रेंज के अंदर घुस गई है। एंड पिछले 3 दिनों में ज़बरदस्त सेलिंग हुई है इस कंपनी में, जैसे कि यहाँ पे आप लोग वॉल्यूम में देख सकते हो। एंड इसी सेलिंग के चलते आज ये कंपनी ऑलमोस्ट 3.5% डाउन थी। तो जो लोग भी इस कंपनी में शॉर्ट टर्म या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को मैं यही बोलूंगा, अगर ये कंपनी आप लोगों को 17,400 रुपीस की प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। और अगर बाय चांस कंपनी यहाँ तक की फॉल शो नहीं करती है तो एटलीस्ट 18,000 रुपये के आसपास ही रखने की कोशिश करना अपनी एंट्री प्राइस। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस सिंपली इस रेंज की ब्रेकआउट जब होगी उसकी ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट के बाद आप लोगों को स्विंग ट्रेड प्लान करना है। इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं। तो गाइस अगर आप लोग चाहते हो तो इस चार्ट की स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो, ये इंटायरली आप लोगों के ऊपर है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय गाइस एंड डेफिनेटली गाइस स्टे सेफ।